आदरणीय गुरु माँ, पहले तो मैं आपके बगल में बैठा हूँ, मेरा अहोभाग्य। आप गुरु भी हैं, आप माँ भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शंकर के दर्शन ने, शंकर के सिद्धांतों ने विभिन्न संतों के माध्यम से होते हुए, जैसे जैसे वो हमारे बड़े बड़े संत पुरुष, उनके जरिए लोगों तक शंकर के सिद्धांत पहुंचते रहे, ये जो यात्रा हुई है, क्या आपको लगता है कि सचमुच शंकर के सिद्धांतों ने भारत की अंतरात्मा को पूरी तरह से पोषित किया है, उसमें प्राण भरे हैं, उसमें चेतना भरी है? इस शरीर का जन्म पंजाब का है जी। वहाँ गुरुमुखी में मैंने अपने बचपन में जो सूत्र सुने गुरु नानक साहब के जी, और वो सब में जोत जोत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए। अब सब में एक ही ज्योति है, पर वो ज्योति जब तक तुम स्वयं को साक्षी रूप नहीं जान लोगे, तब तक वो ज्योति प्रकट नहीं होगी। जैसे जो अभी दाजी ने बात बोली कि इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। तो महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर हो, बनारस के संत कबीर या संत रैदास हो, राजस्थान के संत चरणदास हो, संत दादू दयाल हो, सहजोबाई हो, मुक्ताबाई हो, या सिख गुरुओं के जो छह गुरु हैं, इन सब महापुरुषों की जब हम वाणी को देखते हैं अलग अलग समय पर, अपनी अपनी मातृबोली में उन्होंने कहा, पर बात उन्होंने वही कही जो आदि शंकर के इस अद्वैत का मूल है। सबसे पहली बात, परमात्मा मानने का विषय नहीं, जानने का है। प्रश्न ये, जो जानना चाहता है पहले ये जाना जाए कि वो कौन है, हु आर यू। अब आप मिलते हो, मैं पूछती हूँ आप कौन है, नाम क्या है, मैं मिलती हूँ तो मुझे पूछते हो आप कौन है। तो सवाल ये उठता है कि हम कौन हैं, यात्रा यहाँ से शुरू होती, परमात्मा कौन है यहाँ से तो शुरू ही नहीं होती। तुम कौन हो मैं नहीं जानता, देखो मैं पूछूंगी तुम कैसे हो, मुझे एक कॉन्वर्जेशन चाहिए तुमसे, बोलते जाना। जी जी बिल्कुल। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ माँ। देखो मैंने पूछा तुमको, जवाब मैंने दिया जी। मैंने जी। पूछा तुम कैसे हो, तुमने कहा मैं ठीक हूँ। जो तुम्हारी मैं है वो मेरी तू है जी, जो मेरी मैं है वो तुम्हारी तू है जी, तू और नहीं मैं और नहीं। शंकर का अद्वैत ये है। क्या बात है, तू और नहीं मैं और नहीं, हम एक ही हैं। वाह। अब सबसे पहली बुनियादी जो बात आती है वो ये कि जब हम कहते हैं कि सबका शरीर देखो जितने अलग, एवरीबॉडी इज डिफरेंट जीन्स डिफरेंट बॉडी, सबका मन अलग, सबकी बुद्धि अलग, राइट, सबकी पॉलिटिकल एलिजियंस अलग, जाति पाति प्रांत भाषा बोली वर्ण ये भी अलग, लेकिन एक चीज़ सबके अंदर सिमिलर है, एक सी है, और वो ये है हम सब आनंद चाहते हैं। बिल्कुल, आनंद चाहते हैं। अभी कोई बोतल से लेता है, कोई नर्मदा में डुबकी से लेता है जी, फर्क दोनों है। कोई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग के लेता है और कोई रात देर तक डीजे की पार्टी करके लेता है जी। ढूंढ सब आनंद रहे हैं। इस आनंद की तलाश एक पशु को भी है, एक पक्षी को भी है, कंबोडिया चाइना यूक्रेन रशिया कहीं चले जाइए सबको है। आदि शंकर उस चीज को पकड़ते हैं, उस चीज को कि जो सबको चाहिए वो एक ही है और जहां से मिलेगा वो स्रोत भी एक ही है। इसको मैं कहती हूँ वननेस। हम आनंद ढूंढ रहे हैं और वह आनंद मुझको मेरे में ही मिलने वाला है, किसी और से नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब कोई दूसरा होगा तो याद रहे या तो वहाँ गुलामी हो जाएगी या तो वहाँ दीनता हो जाएगी। जी जी। जब मैं किसी दूसरे को देखता हूँ, या वो मेरे से बड़ा है या तो वो मेरे से छोटा है। अब ये तुम अपनी पुत्री या पुत्र या माता के साथ बैठ के घर जाके करना, तुम उसकी आंख में झांकना, वो तुम्हारी आंख में झांके, उसकी आंख में तुम दिखोगे और तुम्हारी आंख में वो दिखेगी। वाह। एक दूसरे से हम यूं जुड़े हैं, तो देह भिन्न रहे मन भिन्न रहे लेकिन अज्ञान सबके अंदर एक है। अज्ञान मतलब मैं नहीं जानता जी। मैं जानने का अभिमान कर सकता हूँ,
मैं दावा कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पीएचडी है, पर वेदांत की पीएचडी होने के बाद भी तुम उतने ही दीनहीन हो सकते हो जितना कोई एक आम अज्ञानी, क्योंकि देव ऋषि नारद कहते हैं कि कभी कभी ज्ञानियों को दो बीमारियाँ ज़्यादा लग जाती हैं। वो दो बीमारी ये होती कि शास्त्रार्थ करूँ तो हार ना जाऊँ और कोई मेरे से ज़्यादा ज्ञानी ना आ जाए, इसलिए वो ज़्यादा बड़े बीमार हो जाते हैं। इसीलिए शंकर को भी कहना पड़ा था कि सिर्फ श्लोकों को रटो मत, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, खाली शास्त्र चाटता रहेगा तो तू मक्खी हो जाएगा। तू था तो शिव स्वरूप, तू मक्खी काहे भिन्न भिन्न कर रहा है? क्योंकि थोड़ा सा भी ज्ञान मिल जाए ना तो आदमी उसकी उल्टी करता रहता, पकड़ पकड़ बिठाता है, आओ तुमको मैं बताता हूँ, आओ तुमको मैं बताता हूँ। क्यों? अब ये फिर एक सिमिलर चीज है हम सब में, हम सब अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं जी, हम अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छा भी समझते हैं। कोई बोल देगा, कोई नहीं बोलेगा। अब ये शिवराज जी क्या बोलेंगे कि मैं सबसे अच्छा हूँ? नहीं कहेंगे, लेकिन इनको जो प्यार करते हैं वो कहेंगे यही अच्छे। जब 3 वर्ष पहले मुझे शंकर व्याख्यान माला में बोलने के लिए निमंत्रित किया गया तो मुझे इतनी हैरत हुई कि कोई सरकार आदि शंकर में इंटरेस्टेड क्यों है और वो ये व्याख्यान माला क्यों कराना चाह रहे हैं और क्यों बुला रहे हैं और क्या वजह है। लेकिन जब आकर के देखा, मनीष ने बहुत डिटेल में मुझे ये 3 वर्ष पहले पूरी इस एकात्म धाम का जो आइडिया था, जो भी बीज रूप से था, उसकी एक डिटेल जबलपुर में बैठ करके उसने मुझे बताई। और बोलते बोलते वो उसका तो गला रुंध जाता था, बिल्कुल ऐसा होता है। अद्वैत 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 उसके मुंह से यही शब्द निकलता रहता था। मुझे लगता था इसका नाम कहीं अब मनीष पांडे से अद्वैत पांडे ना करना पड़ जाए क्योंकि इतनी मोहब्बत कैसे। लेकिन जो भाव मनीष के मन में आया, जिस बीज को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में आया कि आदि शंकर की जो उनकी देन है, जो उनकी कृपा है, जो उन्होंने दिया है, सिर्फ 4 धाम की बात नहीं है, सिर्फ 17 प्रकरण ग्रंथों की बात नहीं है, सिर्फ ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता पे किए उनके भाष्य की बात नहीं है, बात यह है कि हम क्या हैं। अगर हम ही नहीं जानते तो दूसरे क्या जानेंगे हम क्या हैं। मुझको मुझसे मुलाकात करा देता है शंकर, मुझको मुझसे मुलाकात करा देता है शंकर, शंकर और शंकर और मुझ में कोई भेद नहीं है ये बता देता है शंकर। वाह वाह। आदि शंकराचार्य का वचन, गुरुर नैव शिष्यः चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। वो गुरु होने का गर्व नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि जिसने अपने आप को जाना, जिसने अपने आप में डुबकी लगाई, वो जानेगा कि वो भिन्न नहीं है। इसलिए सिर्फ सुनने की बात नहीं, सिर्फ पढ़ने की बात नहीं, जानने की बात है। जानना तभी होगा। माफ करिए, अब ये पानी की बोतल पड़ी है, इसको मैं देखूंगी तो पीने की इच्छा भी आ जाएगी, तो मैं आदि शंकर का इतना बड़ा स्वरूप देखूंगी तो इच्छा आएगी ना। कौन थे ये? बिल्कुल जी। कौन थे ये? कैसे थे ये? क्या करके गए? क्या बोल के गए? 8 वर्ष का कभी कोई बालक सन्यासी होता है? नहीं हो सकता है। तो ये जो आई वुड से द फर्स्ट चाइल्ड प्रोडिजी ऑफ भारत इस आदि शंकर, 4 साल की उम्र में जो पारंगत हो जाते हैं विद्या में, जो 7 वर्ष की आयु में सन्यासी हो जाते हैं, जो निर्भीक होकर के जंगलों में चलते हैं, जो गुरु को ढूंढ लेते हैं माँ नर्मदा के तट पर, और जो शिवोहम का डंका पूरे विश्व में बज सके इसलिए चारों कोनों में डिम डिम घोष वेदांत का करवा दिया जिसने। पर याद रहे, वेदांत सिर्फ रूखा सूखा तत्वमसी अयम आत्मा ब्रह्म इतनी भर बात नहीं है, उसमें उन्होंने भक्ति का तड़का भी मार दिया, इसलिए भज गोविंदम का गीत भी दे दिया और निर्वाण षटकम भी दे दिया और शिव की उपासना भी दे दी और कनक धारा भी दे दिया और स्तुति धारा भी दे दिया और पशु नाम पतिम पाप नाशम गाओ और जानो तुम पापी नहीं, तुम तो स्वयं शिव स्वरूप हो। एक है मैं अपनी देह को मानूं, एक है मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं हूँ, ये जानूं, सुनूं नहीं जानूं, और इस अपरोक्ष अनुभूति के बाद पाऊं आह ये तो मैं ही हूँ, तो फिर मनोज मैं ही हूँ, दाजी मैं ही हूँ, शिवराज मैं ही हूँ, चिदानंद तो हूँ ही,
चैतन्य हूँ ही, शुक्ल बक्ष तो मैं हूँ ही, राइट? तो फिर भेद कहाँ रहा? भेद हमको तोड़ता है, काटता है, पीटता है, रौंदता है, हमको पीड़ित करता है और हम फिर दूसरों को पीड़ित करते हैं। आदि शंकर हमें वेदांत की मिठास देते हैं, हम आनंद की सरसता से भरते हैं और फिर यही आनंद की छटा हमको पूरे विश्व में, पूरे संसार में महसूस हो सके। इसलिए मेरी दृष्टि में आदि शंकर की इस फिलॉसफी से ना तो पंजाब, ना महाराष्ट्र, ना राजस्थान, ना गुजरात, ना उत्तर प्रदेश, नाम लेते जाइए, ना आसाम, कोई ऐसा संत नहीं है जो उनसे प्रभावित होकर के अपनी मातृभाषा में उन्होंने कविताओं का सृजन करके अब गली गली महाराष्ट्र की संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी जो गाई जा रही है, क्या वो शंकर नहीं गाया जा रहा? वो शंकर ही गाया जा रहा है। और जब गुरु गोविंद सिंह कहते हैं देह सिवा बर मोहे हे शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, तो क्या ये शंकर की बात नहीं हो रही? शंकर की ही बात हो रही, शंकर की ही बात हो रही है। इसलिए काटने वाले बहुत मिलेंगे, जोड़ने वाले कोई कोई। तो समाज को अगर हमने एक सूत्र में बांधना है सबको, तो वो बिना ज्ञान के संभव नहीं और ज्ञान बिना आदि शंकर के संभव नहीं। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि ये जो एकात्म धाम बन रहा है, इसको एक संस्कार और धर्म के लिए प्रेरणा स्रोत, साधना की स्थली और अपने हृदय में इस ज्ञान की ज्वाला को लेकर जहाँ जहाँ व्यक्ति जाएगा वहीं पर शिवोहम 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 का गीत गाता रहेगा। इससे उत्तम क्या हो सकता है?